क्लास का ट्रैप। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना कि किस तरीके से मिडिल क्लास एक ट्रैप के अंदर फंसा हुआ है, एक जॉब के अंदर फंसा हुआ है, एक छोटे से बिजनेस के अंदर फंसा हुआ है और अपनी एक ऐसी जिंदगी के अंदर फंसा हुआ है जिसमें ना तो वो ऊपर जा पाता और ना ही ज्यादा नीचे जा पाता, क्योंकि पूरी जिंदगी भर वो अपनी EMIs, अपने ब्याज दर इन सभी के अंदर गुंजल हो करके मर जाता है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मिडिल क्लास के ट्रैप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो शायद आपके लिए है और आपको इस ट्रैप से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, क्योंकि कभी कभार आपकी एक वीडियो पूरी जिंदगी को चेंज कर सकती है। बेसिकली ये मिडिल क्लास ट्रैप है क्या चीज, आज इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। लोग जिस तरीके से अपनी एक रोजमर्रा की जिंदगी में फंसे हुए हैं, जिस तरीके से वो अपने आप को ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो निकल नहीं पाते, क्योंकि वो फंसे हैं एक मिडिल क्लास ट्रैप में। और ये ट्रैप ऐसा है जिसमें जिम्मेदारियों का बोझ, जिसमें पारिवारिक जिम्मेदारियां, सांसारिक जिम्मेदारियां, ये सारी की सारी एक इंसान के कंधे पे होती है और वो ना तो नीचे उतर पाता है और ना ही ऊपर जा पाता है, क्योंकि वो नीचे उतरते हुए डरता है कि अगर बाई चांस नीचे उतर गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, और बाई चांस ऊपर चढ़ना हो तो उसके लिए उसको रिस्क की जरूरत है। लेकिन रिस्क तो वो ले नहीं सकता, क्योंकि उसके बिजनेस से, उसकी नौकरी से, उसके छोटे से ठीए से एक सैलरी नाम की चीज आती है, एक मार्जिन नाम की चीज आती है, एक दिहाड़ी नाम की चीज आती है। तो ये तीनों चीजें इस तरीके से उसको इस ट्रैप के अंदर फंसा के रखती हैं, जो कि उसको कहते हैं मिडिल क्लास ट्रैप। आज 5 ऐसी चीज आपको समझनी है कि ये मिडिल क्लास ट्रैप बेसिकली है क्या चीज। दोस्तों बहुत पुरानी बात है, एक बार एक लड़का अपनी जिंदगी में बहुत जद्दोजहद में लगा हुआ था। उसकी फैमिली के अंदर सब कुछ सही था, एक छोटी बहन थी, माता पिता थे और एक वो खुद था। जैसे ही वो 12 साल का होता है तो उसके पेरेंट्स उसको एक चीजें बताना स्टार्ट कर देते हैं कि बेटा अब तुम्हें बड़ा होना है, तुम्हें परिवार की जिम्मेदारी संभालनी है, तुम पढ़ोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, और अगर पढ़ाई तुमने नहीं की सही तरीके से तो तुम्हारी फैमिली एक प्रकार से डगमगा जाएगी। वो डरता रहा, आगे बढ़ता रहा लेकिन डरता रहा, आगे बढ़ता लेकिन डरता रहा, 12th पास कर ली। उस बीच उसने सोचा कि मुझे नौकरी भी साथ साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे फादर जो कि एक दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो मेरे घर को नहीं पाल सकते। तो उसने अपने सपनों को दांव पे लगा करके स्टार्ट कर दिया एक काम जिसको साइबर कैफे कहा जाता है। उस साइबर कैफे के अंदर उसने उस तरीके से सारी अपनी पूरे 8 से 9 घंटे लगाए और उस 8 से 9 घंटे में उसको पूरे महीने का 6,000 रुपये मिलता था, और उस 6,000 में वो एक प्रकार से अपने सपनों को दांव पे लगाने का किराया मिलता था। कि जिस तरीके से वो महीने दर महीने अपने सपनों को त्याग रहा था, उस चीज का 6,000 रुपये मिलता। अब वो करता भी क्या, अगर जॉब छोड़ता तो फैमिली की जिम्मेदारी बढ़ जाती, अगर रिस्क लेता तो वो वहीं का वहीं मर जाता। तो एक बार उसने सोचा कि यार मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने एम की तरफ फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। इसी बीच वो अब उस साइबर कैफे के अंदर काम करते करते देखता है कि मैं आगे कैसे पढ़ सकता हूं। उसने 5 ऐसी चीजें समझी जो उसकी लाइफ को पूरा चेंज कर गई और उस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल के आ गया। और आपको पता है वो 5 चीजें कौन सी है, आपको ध्यान से समझना। आज आप कोई भी कैटेगरी के अंदर आते हो, आप लोअर क्लास में आते हो, मिडिल क्लास में आते हो या लोअर मिडिल क्लास में आते हो, इस 5 चीजों को ना जानते हुए आप हमेशा अपने पैर पे ठोकर ही खाएंगे। लेकिन ये 5 चीजें आपकी जिंदगी को पूरा चेंज कर सकती है। सबसे पहली चीज, पूरे दिन में एक बार अपने एम के लिए, जो आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, उसके बारे में जरूर सोचें। और वो सोच इतनी ज्यादा जरूरी है कि आप कोई भी सिचुएशन में हो, चाहे आप नौकरी नहीं करते हो, चाहे आप एक बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज कर रहे हो, बट आपको अपने उस सपने के लिए पूरे दिन में एक बार सोचना जरूर है। दूसरा पॉइंट, उस लड़के ने अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उसको ये पता था कि मुझे यहाँ 6 घंटे निकालने हैं, साइबर कैफे पे काम निकालना है, लेकिन अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उसने मोबाइल ठीक करना स्टार्ट कर दिया, साथ ही साथ उसने और भी ऐसी चीजें सीख ली जो कि ऑनलाइन हो रही थी। उसने उस अपॉर्चुनिटी को, उस अपनी नौकरी को इस तरीके से लिया कि जिस तरीके से उस 6 घंटे 7 घंटे की नौकरी से वो
एक्स्ट्रा इनकम कर सकता था। लेकिन आपको यहां पे एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है कि आप आज जिस भी फील्ड में हो, आप चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे आप कोई छोटा बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप दिहाड़ी मजदूर हो, लेकिन आप करंट सिनेरियो में अपने आप को ऐसा किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से अपने सपने को, अपने आप को बड़ा करते हुए देख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को इस तरीके से करो कि आपका सपना पूरा हो सके। सपोज आपको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो आपको एक ऐसी ही आउटलेट, ऐसी ही शॉप देखनी चाहिए जिसके अंदर आप हेल्पर की नौकरी कर सको। इस नौकरी से आपको पैसा तो बहुत कम मिलेगा लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना चाहते हो, पढ़ाई भी कर रहे हो लेकिन नौकरी भी जुड़ी, तो किसी क्लिनिक के अंदर कंपाउंडर का काम कर लो। तो आपको अवसर ढूंढने, आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढने, किस तरीके से आपकी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। तीसरा पॉइंट, कंसिस्टेंसी। आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को रेगुलरली करते रहो। आप उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हो लेकिन उसको कंसिस्टेंट करने से उसमें इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगी। चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक अपनी साइड इनकम हमेशा रखो, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि अपने आप को रिस्क से बिल्कुल दूर मत भगाओ। रिस्क लेना स्टार्ट करो क्योंकि रिस्क एक ऐसी चीज है, आपको आपका आपके पास जो भी है वो खोएगा नहीं, वो आपको और ज्यादा देगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। विश यू लाइफ पॉजिटिव। मैं आपका होस्ट रोहित कुमार।